ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 27 अप्रैल 2019 शनिवार का दिन है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और श्रवण नामक नक्षत्र इस दिन रहेगा। मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मेष राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, मंगल ग्रह वृषभ राशि में, बुध मीन राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनिदेव धनु राशि में, राहु मिथुन राशि में एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार इन चार राशि वालों को 2 गुना सफलता प्राप्त होगी। ये चार राशियां इस प्रकार है, वृषभ, कर्क, कन्या और मकर। इनको धन प्राप्ति के साथ साथ मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, यानी कार्य क्षेत्र में पारिवारिक रूप से या सामाजिक क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में इनको 2 गुना सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर के इन चार राशि वालों के लिए दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।